जिले से गुजरने वाले रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए से हुआ निर्माण कार्य दो साल में भी नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि दो साल पहले करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से सिमगा से लेकर कवर्धा तक सड़क निर्माण किया गया था। 71 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने का ठेका मध्य प्रदेश के दिलीप बेल्डेकॉन को मिला था। काम के दौरान ही इस पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन विभाग ने कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे रखी और नतीजा ये हुआ कि कवर्धा से बेमेतरा तक 50 किलोमीटर की सड़क पर जगह जगह दरारें नजर आने लगी और शुरुआत में लीपापोती करने के लिए दरारों को केमिकल से भर दिया गया था, लेकिन दरारें बढ़ती ही जा रही थी जिससे निर्माण कार्य में लापरवाही उजागर हो गई और ऐसे में अब प्रदेश में बनी नई सरकार के जिम्मेदारों ने मामले की जांच कराने और दोष साबित होने पर कार्रवाई की बात कही है। इन समय में पर अभी चूंकि कांग्रेस की सरकार है और हमारे जिले के और कहा जाए हमारे विधायक जो मोहम्मद अकबर जी हैं उनके संज्ञान में है ये बात, और निश्चित रूप से इस रोड के बारे में जो गुणवत्ताहीन सड़क है उसकी उसको ठीक करने के लिए या उस पर जो भी कार्रवाई होगी उचित। तो कवर्धा से ये मामला सामने आया जहां दो साल में ही सड़क की जो हाल है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। दो साल पहले इन सड़कों को बनाया गया था दिलीप बेल्डेकॉन ठेकेदार द्वारा, लेकिन दो साल बाद जब सड़कों की हालत इस तरीके की नजर आ रही है जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के भ्रष्टाचार किया गया होगा। और जब जैसे ही इन रोडों पर दरारें दिखाई देने लगी तो शुरुआती वक्त में केमिकल भरकर इस पर लीपापोती का काम किया गया ताकि कम से कम टेंडर के पूरा होने से पहले या फिर पेमेंट होने के पहले तक ये लीपापोती सामने ना आ जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष ऋषि शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि ऋषि जी आपके संज्ञान में बात होगी कि कवर्धा में रायपुर जबलपुर रोड जो है जिसको दिलीप बेल्डेकॉन द्वारा बनाया गया था उस रोड के हाल बद से बदतर हो गए हैं महज दो साल में, और ऐसे में जब ये बात सभी के संज्ञान में बात आ गई है तो ऐसे में क्या आगे निर्णय लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, आप अपनी ओर से क्या कदम उठाएंगे? जैसा कि पता है सारे क्षेत्रवासियों को पता है कि कवर्धा सिमगा का रोड जो है पिछले दो साल पहले बनाया गया था जी, दिलीप बेल्डेकॉन ने इसका निर्माण किया था। यह सड़क निर्माण के समय से ही लगातार विवादों में रहा है जी। चाहे अपने गुणवत्ता को लेकर रहा हो या उनके कार्यकलापों को लेकर रहा हो। अभी जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है और हमारे माननीय विधायक जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है अकबर भाई है, उनके संज्ञान में ये बात है और निश्चित रूप से इस घटिया और गुणवत्ताहीन रोड जो बनी है उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और माननीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री है उनके तरफ से भी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करने का संकेत है और वो उनके संज्ञान में है ये मामला। ऋषि जी लेकिन अब क्योंकि मौजूदा वक्त में पिछले 9 महीने से तो कांग्रेस की सरकार है और जाहिर तौर पर जनता को उम्मीदें अब कांग्रेस सरकार से ही होंगी, और अब क्योंकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये सभी बातें स्पष्ट हो गई कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो आगामी वक्त में जनता क्या उम्मीद करे? संज्ञान में तो ये सभी बातें आ गई है लेकिन अब क्या किया जाएगा? देखिए कुल मिला के ये टेक्निकल बात है कि ये जो रोड का निर्माण हुआ था वह रोड बहुत ही घटिया और गुणवत्ताहीन बनी है, पर जिस तरह से यह रोड का निर्माण हो गया है अब उसके लिए टेक्निकली या शासन स्तर पे रिटेंडर की बात होगी या इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने रोड को बनाया है उनके ऊपर होगी कि ये रोड वो अच्छा साफ सुथरा और गुणवत्ता पूर्वक बना के दे। यानी जल्दी ही इसे सुधारने का काम किया जाएगा और वाकई में हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसका निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन इन सड़कों के हालात भी बदले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी। मनावर में